I have the connect I have with cameras, I don't have it with anybody. So my relationship with the camera, I find it very interesting and it's very precious for me. क्योंकि जितना कंफर्टेबल मैं कैमरा के सामने होती हूँ उतना मैं इतनी बात कर ही नहीं पाऊंगी अगर ये बंद होगा, यू नो. एंड इवन वाइल परफॉर्मिंग आई फील दैट ऑल द इमोशंस आई फेल्ट वाइल एक्टिंग आई हैव नेवर फेल्ट देम अदरवाइज. सो व्हाट दिस कैमरा लाइफ एंड दिस करियर हैज गिवन मी इज वेरी डियर So what do you टू मी. collect? व्हाट डू आई कलेक्ट? मेमोरीज. बिकॉज वी हैव टू सो क्विकली चेंज एंड मूव ऑन. आई ट्राई टू लिव एवरी मोमेंट फुली. सो आई हैव अ वेरी क्लियर मेमोरी ऑफ इट. तो ऐसी क्या चीज़ है जो बचपन की अभी तक साथ चल रही है? I don't think I've held on to things for that long. I haven't. I think I have my world complete in my parents and my siblings. I don't think I've been ever कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट नहीं है, कोई गुड़िया, कोई स्टफ कुछ टॉय? भी नहीं. मुझे मुझे पता नहीं, मुझे अभी आप कह रही हैं तो मैं सोच रही हूँ, मुझे लगता है कि कि अपनी जर्नी पे कुछ लोग लेके जाते हैं ना अपनी चीजें हाँ साथ नहीं, मेरे बचपन पास ऐसा की, कुछ नहीं है. है ना? मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा अम्मा ने इंस्टिल किया है हमारे अंदर टू वैल्यू जस्ट रिलेशनशिप्स. यू नो वाई मी एंड माई सिबलिंग्स आर सो टाइट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वट मॉम टॉट अस. सो मुझे लगता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे इतना एम्फेसाइज किया उन्होंने कि शायद हमारा चीज़ों पर ध्यान नहीं गया. शायद ये मैंने अभी और अभी वक्त के सोचा है. साथ फिर चीजें बदलती भी गई एंड यू डिडंट मिस देम, हाँ कि एंड अगर बाइक के लाइक आई एम बाद. टेलिंग यू हाँ इट्स वेरी फनी हाउ ऑफन आई चेंज नाउ. सो टू होल्ड ऑन टू थिंग्स वुड बी रियली स्ट्रेंज. आई डोंट थिंक आई लाइक डिड यू समथिंग फॉर ऑलवेज दैट ड्रेस लॉन्ग. अप? यस आई लव्ड इट. आई ऑलवेज हाँ, लव्ड इट. ऑन माई स्कूल फेयरवेल्स दे वर अ बिग डील फॉर मी. आई लव ड्रेसिंग अप. दैट्स आई कुड सी कि यू थॉट के फैशन होना चाहिए, है ना? बिकॉज आई कैन सी द वे यू आर एंड आई हैव ऑलवेज सीन यू टुडे आई एम ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप स्पेशली ब्यूटिफुल. फॉर ओ यू. थैंक यू, एंड आई लव योर थैंक ज्वेलरी. एंड यू नो यू. मुझे मुझे लग रहा है कि दैट यू लाइक ड्रेसिंग अप एंड आई यू लव लव इट. ज्वेलरी. सो कलेक्ट करते हो जो चूड़ियाँ और ज्वेलरी और खुद से? आई लव योर खुद सा उफ, टू. आप परेशान हो जाएंगी लेकिन मैं खुद से और चूड़ियां भी उड़वा के चुराती हूँ. यू नो शी इज द वन आई हैव. शी हैज द बेस्ट थिंग्स. व्हाट डू आई डू इवन इफ आई विल गो बाय देम माय सेल्फ. सो साइज एक ही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हाँ, इसका कितना दैट. फायदा होता है ना, बहुत, मुझे तो बहुत फायदा है होता है. ना? उसको शायद नुकसान होता है थोड़ा. तो यू शेयर द रूम? वी यूज्ड टू टिल शी अच्छा, गॉट ओह नाउ शी मैरिड. इज मैरिड. या बट डिड यू बट आई शेयर द स्टिल लिव रूम? विद देम बिकॉज़ आई कैन नॉट इवन इमेजिन अ डे विदाउट उर्वा. सो नाउ आई एम एज टाइट विद फरहान भाई. And since my parents and my brother are away, they are my only family here. So yeah, I'm very, very close to them. पहली मोहब्बत कब हुई? I think I was 14. किससे हुई थी? एक शख्स से. अच्छा, वो तो क्लास में था या नेबरहुड में था या हाँ, कजन आई था? न्यू हिम थ्रू समबडी, ओके, तो थ्रू अ फ्रेंड. क्या करते थे उसके लिए? गाने गाते थे या मैं गाने गा ही नहीं सकती. मैं गाना गाऊंगी तो मोहब्बत दिमाग वहीं खत्म हो जाएगी. मैं एक्चुअली गाने सुनती बहुत हूँ. अच्छा, मुझे बहुत मजा आता है कि जब मैं लाइफ में किसी सो व्हाट डिड यू से डू? राइट लेटर्स और डिड ही राइट यू नो नो आई लेटर्स? नेवर रोट लेटर्स. आई थिंक आई एट मैक्स आई रोट ईमेल्स बट नॉट लेटर्स. एंड देन वी हैव ऑल दीज व्हाट्सएप एंड बीबीएम्स एंड मैसेजेस. आई थिंक दे टुक अवे द चार्म ऑफ लेटर्स. आई स्टिल होप दैट आई कैन फॉल इन लव सो मच दैट आई राइट अ लेटर टू समवन. And if I do, I'm going to call you and tell you that, see, you It is triggered so that thought. special, writing a letter. Haan. It is like going on a train. Have you Haan. Have you gone on a train? I mean, yeah, abroad, not It here. is so romantic. It Yeah. is. But, but it's so funny that I've been on all these trains with my siblings. So yeah, I. You know, because you can go away in it, na? Yeah. आप बैठे हैं बैठे हैं, वो एक जैसा आपके पास से गुजर रही हैं चीजें, एंड आपका दिमाग फिर कहीं और चला. जैसे किताब में जब आप हाँ किताब पढ़ते हैं वो भी उतना ही मुझे रोमांटिक किताबें बहुत है ना. सो आप अट्रैक्ट किताब करती हैं. पढ़ते दे टेक मी पढ़ते अवे आप फ्रॉम कहीं लाइफ. और जा सकते हैं ना. जहाज में आप कहाँ जा सकते हैं? व्हेन आई वांट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम लाइफ बुक्स आर एट माय रेस्क्यू. बुक्स डिस्कनेक्ट मी सो फ्रॉम कोई लाइफ. आया ऐसा जो जिसके लिए खत लिखो? खत अभी तो कोई नहीं लिखा नहीं आया. है. लिखना चाहती हूँ. अल्लाह करे लिखूं. तो फिर कोई नहीं है? यू आर नॉट इन लव विद एनीवन? आई थिंक आई एम इन लव बट आई लव द आइडिया ऑफ लव. आई थिंक फॉलिंग इन लव इज सो ब्यूटिफुल. एंड
I was just going to tell you that whenever I'm in love, or let's say if I'm going on a new project, or see how easily I compare love in my projects. That's how much I love my projects. But so whenever I'm going on something that's making me really happy, I listen to new songs. पिछले छोड़ के, क्योंकि पिछले तो अब पुरानी बातें या पुराना एक्सपीरियंस याद करा देंगे, तो कुछ नया, जो भी कुछ नया गाना अच्छा लगे, तो आई लिसन टू देम ऑन रिपीट. एंड लाइक यू आस्क मी इफ आई सिंग सॉन्ग, आई लिसन टू देम एंड आई डे ड्रीम. दैट्स व्हाट आई डू, कि मैं गाना गा सकूं. हाँ, मुझे लगता है शायद इसीलिए मैं मूवीज में भी लिप सिंक करना इतना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक मैं कभी भी रियल लाइफ में गा सकती हूँ. क्यों पता नहीं, मुझे कोई भी गा सकता है. आई होप सो, आई होप दैट्स ट्रू. हाँ, फरहान भाई कहते हैं तुम बैठो रियाज करने की कोशिश तो करो, तो मैं भाग जाती हूँ. मेहनत लगेगी ना, ऐसे थोड़ी. हाँ, लेकिन मुझे अपनी आवाज़ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू इवन समटाइम्स डिलीवर माई डायलॉग्स, बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव थ्रोट, एंड इफ आई हैव गिवन लाइक अ बिग मोनोलॉग द प्रीवियस नाइट, अगले दिन मेरा गला बंद हो जाता है. तो फिर आई हैव टू हैव कावाज एंड ग्रीन टीज. अब रियाज के बाद कौन इतनी मेहनत करेगा. सो जब बाजार जाती हो, क्या चीज़ उठाती हो सबसे पहले, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? जूते. मुझे जूते खरीदना बहुत अच्छा लगता है. जूते खरीदती होती हूँ. सब पहनती हूँ. हाँ, या सब पड़े रहते हैं. मैं जूतों से स्टाइल करना शुरू करती हूँ. अच्छा. कि ईद पे मैंने ये वाला गोल्डन खुस्सा पहनना है, तो अब कपड़े डिसाइड होंगे. okay. या अगर उर्वा की बर्थडे पे मैंने ये वाली हील पहननी है, तो अब इसके साथ कपड़े डिसाइड. ऐसे. और उसी की अलमारी की तरफ जाती होगी कि वहां से निकाल. उसकी अलमारी तो मैंने बचपन से नहीं माफ की. बट आई एंजॉय इट सो मच, यू नो. आई टेल उर्वा दैट आई सेड, इवन इफ आई हैव दैट सेम वेरी थिंग इन माय ओन कबर्ड, जो खुशी मुझे मिलती है ना टू पिक इट अप फ्रॉम योर कबर्ड, जो मुझे सुकून मिलता है टू वेयर योर थिंग्स, ये मैचलेस है बिल्कुल. कभी मना किया उर्वा ने? शी लव्स मी टू मच एंड आई थिंक आई एक्सप्लॉइट दैट. मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे कहा कभी लड़ाई नहीं हुई. लड़ाइयाँ तो ऑफ कोर्स वी फाइट लाइक नॉर्मल कॉल मना पीपल, यू नो. आई वुडंट कॉल इट अ लड़ाई, क्योंकि देर इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ उर्वा बीइंग राइट. सो इवन व्हेन व्हाइल आई एम हैविंग अ क्वारल विद हर, आई नो शी इज राइट. सो वो बड़ा गिल्टी कॉन्शियस होता है फिर, कि अभी 2 मिनट बाद मुझे कहना पड़ेगा कि यू वर राइट, तो उससे बेहतर है कि अभी चुप कर जाऊँ. सो समटाइम्स वो चीज़ थोड़ी बढ़ती है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो दैट शी इज राइट. सो आई हैव टू बी द वन हु अपोलोजाइजेस बिकॉज़ आई एम रॉन्ग. सो इफ यू आर रॉन्ग, देयर इज नो शेम इन अपोलोजाइजिंग. आई एम मोस्टली रॉन्ग विद हर बिकॉज़ शी इज माशाल्लाह सो वाइज एंड समहाउ शी इज ऑलवेज राइट. शी इज, व्हेन यू लुक एट हर, यू कैन फील दैट शी इज द क्वाइट वन. हां, है ना. शी इज द विजर्ड इन द फैमिली. ओह यस, 100%. हां, वो लगता है. आई थिंक ऑल ऑफ, एट लीस्ट माय लाइफ, life decision, this all of the decisions, they are absolutely dependent on my sister. It's very difficult for me to take. मतलब अभी मैंने इन कपड़ों की भी पिक्चर भेजी उसको. Is this okay? He's like, yeah, it's okay. So is it difficult? No. When you are on your own, because now she's married, now she's, you know, उसकी अपनी ज़िंदगी है. और तुम्हें भी अपनी बनानी पड़ेगी. You know, you will fall in love, you will get married, you will have a home. I mean, I thought that maybe these things. क्योंकि इतना फिर आप जब इतने ज़्यादा करीब होते हैं और जब independent होते हैं तो मुश्किल तो होता है ना. I don't know. I cannot think of a life where I cannot ask her everything. I would not understand that life mostly. So I'll always ask her these many questions. And also it's a very a blessed space to be in, that somebody is always looking out for you, you know. कि आपको ठीक है, आपको at max क्या मुझे बात माननी पड़ती है, तो कुछ भी नहीं है. Someone's always looking out for me and someone's always wishing my best. That's such a constant blessing that I've had since I'm born. I would never. कुछ regret करती हूँ? Yeah, sometimes you choose people that you think are, you know, they're not what you think. So investing so much time and energy and affection and compassion on those relationships is what I would regret. But then I read this somewhere that, you know, you'll never regret the love you give out, but you'll always regret the anger or the bad you do to someone. With that belief, I've started to let go. But I think the most you regret is being misunderstood by people that you've given your
compassion and love and affection. आसानी से दोस्ती कर लेती हूँ. You trust easily? Not anymore. I think it's being a child or being younger is a bliss. Because you're ignorant of most of the things and what a relationship could take from you. You're unaware. लेकिन ये ज्यादती नहीं है कि इंसान अगर कभी हर्ट हुआ हो तो फिर अपने आप को बदल ले. Because वो takes away the spontaneity. But क्या करें? Of being who you truly are. But don't you think it's natural? Don't you think it's natural that when you're growing up, now I can't think like the girl who I was when I was 8 or 14 or even 20, you know? When you're younger, you know less, so you worry less. The more you know, the more you worry, is what I feel. But I also think that worrying for yourself and taking care of yourself is very important. Because if you won't, who will? It's very, very important that you keep yourself prioritize करें आप खुद के emotions को. You should first be able to love your own self before you. अपने आप को कैसे feel करती हो? Knowledge से, information से, काम से. मुझे मेरा काम बहुत खुशी देता है. ये अजीब सी खुशी है जो मैं I don't have words to explain it. I just always hope कि क्योंकि आप दिल लग गया है ना काम में बहुत ज़्यादा. तो अब ऐसा समझ आनी शुरू. हाँ, अब जाके समझ आनी शुरू हुई. तो मुझे अब दिल करता है कि जितना प्यार तब मिला है जब समझ ही नहीं आती थी और मिल जाता था प्यार और लोगों को काम अच्छा लग जाता था, अब जरूर मिले. अब वो विश आ गई अंदर. अब आपका दिल करता है कि व्हाटएवर यू वर्क हार्ड ऑन व्हेन पीपल वॉच इट यू नो यू विश एंड प्रे दैट दे लाइक इट एंड दे लव इट. डू यू पेंट? नो आई डोंट. एंड डू यू राइट? नो आई डोंट. डू यू रीड पोएट्री? I read books. Okay. I don't read poetry. अब मतलब कुछ pop up कर जाए आपके सामने और फिर आपको फिर you follow that feed and if you like something. But otherwise I like you know whenever I'm traveling. किताब कहाँ पढ़ती हो? Tablet पे पढ़ती हो? Flight में? या actually हाथ में किताब उठाती हो? नहीं. I have to read a paper book. I can't read. मुझे नहीं. मैं हालांकि खुद मैं इस तरह की हूँ कि मैं आधी चीजें और छोटी-छोटी चीजें पढ़ती हूँ Instagram पे और Facebook पे. But when I have to read a book, it has to be in my hands. Aur script ka urdu mein padhti ho ya urdu mein? Shukr urdu mein. Aur main to urdu mein likh ke bhi deti hu logo ko kyunki wo kabhi kabhi script roman mein aate hain aur mujhe kuch samajh nahi mujhe nahi samajh mein aate to fir main likhti hu. Aur main parso ek gana shoot kari thi with Suhail Javed for Jawani Phir Nahi Aani 2 aur wo uska promotional song hum shoot kar rahe the to unhone mujhe meri 4 saal purani picture dikhayi ki main unke set pe sara roman script उर्दू में कॉपी करके रख रही हूँ अपने लिए. तो मुझे कह रहे कि ये तुम्हारी मेरे पास एक पिक्चर है कि तुम स्क्रिप्ट कॉपी करो. कुछ चीजें पुराने जो है ना वो रखनी चाहिए जैसे उर्दू स्क्रिप्ट है. यू नो माय मदर शी हैज खत है. यू नो जैसे टेलीफोन पे बात करना है अदर देन जस्ट सेंडिंग मैसेजेस. यू नो आवाज सुनना. आई एम ऑल फॉर फोन कॉल्स. आई डोंट लाइक किसी की आवाज तो सुने किसी को मिले तो सही. यू नो माय मदर डिड हर मास्टर्स इन उर्दू एंड एजुकेशन एंड अरबिक. तो मेरी बचपन से उर्दू बहुत अच्छी है. अब शायद मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम अपनी मर्जी की चीज़ें करने लगते हैं मॉम से मैं दूर रहने लगी हूँ तो ख़राब हो जाती है. उतनी अच्छी नहीं रहती शायद. लेकिन इसीलिए मैं सबको लिख के देती हूँ क्योंकि मेरी उर्दू राइटिंग भी बहुत अच्छी है और मैं यू नो आई कैन ऑफकोर्स आई कैन. स्कूल का पहला दिन याद है? स्कूल का पहला दिन. अब आपको लगेगा कि ये इंटरव्यू मेरे और उर्वा दोनों के बारे में है क्योंकि स्कूल भी क्योंकि उर्वा स्कूल जा रही है मैंने जाना है. आई रिमेम्बर माई सेल्फ वेरी वेरी वेगली. कितना फर्क है दोनों? एक साल का. अगले साल चले जाना था मैंने. तो फिर अगले साल चले जाना था बट नहीं अभी जाना है मैंने. साथ जाना है. ऐसे कैसे उर्वा चली जाएगी और मैं नहीं जाऊंगी. सो आई थिंक मॉम ने जो उर्वा शायद अब प्रेप में जा रही थी तो मम्मा ने मुझे प्ले ग्राउंड में क्योंकि मम्मा डिडंट आई थिंक आई डोंट थिंक शी बिलीव्ड इन प्ले ग्राउंड. शी वॉन्ट टू कीप अस होम टिल वी वॉन्ट टू गो टू प्रेप और वन और यू नो लाइक प्रॉपर स्टडीज. वो प्ले ग्राउंड और वो अब तो खैर बहुत कुछ आ गया. प्री 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 ढाई साल में बच्चा स्कूल जा रहा है. हाँ तो अब तो बहुत सो मेनी क्लासेस बिफोर प्रेप. बट तब उर्वा आई थिंक प्रेप में जा रही थी और मैं तो रोना डाल दिया कि मैं तो कैसे उर्वा को तो नहीं जाना मैं साथ जाऊँगी. एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई वेंट टू प्ले ग्राउंड because I had to play group because they couldn't have taken me play group yeah because they couldn't have taken me in the prep. So you remember the fact that you went with your sister? Yeah. I think I cried. Do you remember your first toy?
इन दैट वेरी डिड यू बाय इट योरसेल्फ या गिफ्ट मिला था? मेरी जो फर्स्ट चीज मैंने खुद मामा के साथ जाके खरीदी जो मुझे याद है, दैट वाज अ ट्राईसाइकल, अ पर्पल ट्राईसाइकल, वो मुझे याद है. लेकिन पहला टॉय जिससे मैंने खेला होगा वो आई थिंक वो वहीं प्ले ग्रुप में, वो जो नहीं क्ले से आप खेलते थे, कप्स बना दिया, स्टार रखा, स्टार बन गया. आई थिंक दोज वर माय फर्स्ट एवर समथिंग आई प्लेड विद. तो अम्मी को या अब्बू को, किसको पहले दफा बात की थी? व्हाट डिड योर पेरेंट्स से कि जो पहला लव्स क्या मामा कहा या उर्वा कहा? ये तो मुझे हाँ, ये वैसे अच्छा सवाल है, मुझे मामा से पूछना पड़ेगा, क्या पता उर्वा ही कहा हो, है ना? क्योंकि कुछ बच्चे बाबा कहते हैं, कुछ मामा कहते हैं. हाँ, मुझे लेकिन पूरा शक है कि मैंने उर्वा कहा होगा. हाँ, जितना मैं उससे, आई थिंक आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद हर एंड आई रियली ट्रूली आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग हर इन माय लाइफ. डू यू हैव अ नेम फॉर हर? आई कॉल हर बहना. बहना. जिंदगी क्या है? जिंदगी है family and the time you spend with them. I always feel कि जब आप किसी मुश्किल situation में होते हैं या even for that matter एक turbulent flight में होते हैं तो the few people that you think about they mean life to you. They are life. So whenever I've experienced in the अब खैर turbulence से थोड़ा डर कम हो गया क्योंकि इतना travel करते हैं, but शुरू में भी मुझे लगता है कि the only few people I think about are my immediate family, are my siblings and my parents. क्योंकि those are the only one जिनको फर्क पड़ेगा if you're gone. So अभी क्या क्या बनाना है जिंदगी में? Are you going to make a home for yourself somewhere? कोई है ऐसा idea कि? I think I want to make a home here. किसी hill की चोटी के ऊपर बनाऊंगी या समंदर के किनारे या झील के किनारे. नहीं, वहाँ मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल के लिए जा सकती हूँ, वहाँ मैं रह नहीं सकती. मैं यू आर अ सिटी गर्ल. आई जस्ट लाइक स्टेइंग वेरी क्लोज टू माय फैमिली. आई कैन नॉट इवन इमेजिन लिविंग समवेयर अलोन. लाइक आई टोल्ड यू दैट आइसोलेशन हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रॉमेटाइज्ड मी. नॉट ऑलवेज इन अ बैड वे, बट इट हैज अफेक्टेड मी. Always. You don't like farewells? No, I don't like being away from my family. Or going away or saying khuda hafiz, hai na? मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस डेट को अगर शूट के लिए जा रही हूँ तो मैंने इस डेट को वापस आ जाना. अगर वहाँ पे ना आ सको तो रो पड़ती हूँ. 19-20 आई जाती हूँ तो रो पड़ती हूँ अगर ना. हाँ, आई थिंक इंडिया में क्योंकि मैं पहली बार उर्वा से दूर थी बहुत लंबे अरसे के लिए, वहाँ पर मैं काफ़ी दफ़ा फ़ोन करके रोई. सो यू आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग विदाउट फैमिली? या I think it's your biggest fear. Yeah, I think so. Yeah, or being without Urva is my biggest fear. Being without family. What is death? Maut kya? I think I'm very much at peace with the idea of death. It doesn't scare me at all. What I get. सबसे बड़ी जुदाई है ये. हाँ, लेकिन मुझे that's what I fear. I fear it for my loved ones. I don't fear it for myself. Okay. Like I said that when you're in a turbulent flight and you're, and even for a mini second, if you're thinking that your flight's gonna crash or God forbid something's going to happen to you, you don't think about yourself. You don't think ke oh kuch hoga to mujhe kya hoga. Aisa to aap mujhe nahi lagta. Koi bhi nahi aise soch sakta. Ya pata nahi, main to nahi soch sakti. Mujhe pehla khayal ye aata hai ki Urva, mom, you know, parents, siblings. Are you close to your dad? I am, but I'm much, 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 much closer to my mother. Okay. I'm close to him. Okay. But who's close? Close, but you're just your brother. वो करीब है अपने अब्बू के. हाँ, I think now that he lives with both of them in Sydney, I'm sure he's closer than all among all three of us. वो ही होगा. But I'm the closest to my अब्बू. He's actually very. He doesn't interfere in our lives much. He lets us be, which is actually a great liberty and freedom. It's a blessing. Yeah, you know how. But he keeps an eye. I'm sure he does. Yeah. But that's also something he doesn't tell us. I'm sure he does. And I'm sure because mama se unko sab update mil jati hai. So, kabhi is tarah agar unko jab pata chalta hai ki if I'm unwell on my set or if I'm traveling despite being unwell or something, so he makes a call and he makes that effort to tell us that he's worried and all of that. But mama ko har minute ki khabar hoti hai. Like mama ko abhi pata hai ki main aapke interview par baithi hu,
क्योंकि वो उनको सुबह फ्लाइट के टाइम भी पता था मैं क्या पहन रही हूँ, उन्होंने जल्दी से ये भी पूछ लिया। अम्मा को हर वक्त पता है कि मैं उर्वा और इंस क्या कर रही हूँ, हर वक्त। वो यही बस वो ना बताओ तो वो खुद ही कुरेद लेती है। हाँ, और मम्मा बहुत इंट्यूटिव है, मुझे लगता है मम्मा से वैसे भी कुछ नहीं छुपा सकते, अम्मा को वैसे ही पता चल जाता है। और मुझे इस बात से बहुत टेंशन होती है कि बजाय इसके कि वो पूछे भी, एंड अगेन वी हैड दैट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हर ऑल आर लाइव्स कि हम उन्हें सब बता सकते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट। इट्स सो अमेजिंग, इट इज। आई यू नो आई नाउ रियलाइज दैट आई ऑलवेज हैव अ फ्रेंड इन हर, ऑलवेज ऑलवेज। मतलब उर्वा की लाइफ ऑब्वियसली जस्ट लाइक माइन इज वेरी बिजी, बट मॉम इज ऑलवेज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू आर कॉल्स एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ वीडियो चैट विद अस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अस विजिटिंग हर। तो ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि एक इंसान है इस दुनिया में ऐसा जो हर वक्त बस आपको लुक फॉरवर्ड कर रहा है, यू नो, कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट ऑल्सो सेट्स यू फ्री बिकॉज आपने उनको प्लीज नहीं करना ना, इट सेट्स यू फ्री एंड एट द सेम टाइम मेक्स यू फील सो इंपॉर्टेंट, यू नो, कि कोई है जिसको इतना फर्क पड़ता है कि आप हर वक्त क्या कर रहे हैं। आसान नहीं है मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मदर, सो आई डोंट नो उनका क्या कहाँ से वो सोचती हैं, बट मुझे नहीं पता वो इतनी सेल्फलेस कैसे हैं कि वो हर वक्त तीन बच्चों के बारे में सोचती हैं। सिर्फ जब से मैं, यू नो, जब से मुझे दुनिया समझ में आई है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, दैट ऑल शी डज इज थिंक अबाउट अस and what we should do, even when we used to go to school, she used to drive us to school. और उनको हर वक्त फिक्र, उनको मेरी बुक्स, सेलेबस सब पता होता था कि मैंने अच्छा बायोलॉजी के 10 में से 8 चैप्टर्स कर लिए हैं बेटा, एक और कर लो। लाइक शी वुड नो एवरी थिंग, हाउ, यू नो, इट्स अ लिटिल अनबिलीवेबल कि उनको, और जितना उनको मेरे बारे में पता है उतना उनको उर्वा के बारे में पता है, उतना उनको इंस के बारे में भी पता है। So I feel नाम कहाँ से आया इतने प्यारे? I told you she's done a master's in Arabic and Urdu and education. So I think she told us that she's collected all these names when she was studying. और ये हुकैन हुसैन की ये spelling है? ये मेरी बेवकूफी। Really? No, I think it's very intriguing. Now it is. It is intriguing. Now it is. But मैं seventh grade. And your father didn't mind it? No. ये छोटी, इतनी छोटी बातों से मेरे घर में कोई डिस्कशन भी नहीं होती कि ये ऐसा कुछ कर दिया। And only you have it. No, Uba has it too. My brother doesn't. He thinks it's ridiculous. क्योंकि मैं सेवेंथ ग्रेड में थी और उर्वा और मैं एक ही स्कूल में थे, भाई वॉज इन अ डिफरेंट स्कूल। तो मैंने एक दिन, मैं अपना अटेंडेंस रजिस्टर देख रही थी और उसमें सारे नाम ना थोड़े मिलते जुलते थे, थ्री आयशाज इन अ क्लास एंड सेवन साराज, नो ऑफेंस इंटेंडेड, बट यू नो लाइक सम नेम्स आर कॉमन। सो मुझे इस बात पे बड़ा होता था कि ओ, देयर इज नो अदर मावरा दैट आई नो ऑफ, यू नो, आई एम दी ओनली मावरा। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग देयर आर सो मेनी सर नेम्स आर हुसैन, सो मेनी ऑफ देम, व्हाई? तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी अपनी सेवन्थ ग्रेड की जो मेरी क्लास टीचर थी, इफ़ शी इज़ वॉचिंग नाउ, आई रोट एन एप्लीकेशन, आई डिड माई फादर्स सिग्नेचर ऑन इट। उसमें ये लिखा हुआ था कि हमने अपने नाम की स्पेलिंग बदलनी है, तो आप स्कूल रजिस्टर में हमारी बेटी के नाम की स्पेलिंग चेंज कर दें। दैट्स द फर्स्ट टाइम यू रोट इट एंड यू साइंड इट? आई साइंड इट, गिव इट टू माई क्लास टीचर एंड मेड श्योर दैट शी टुक इट वेरी सीरियसली कि यू नो माई ग्रैंड फादर सेड कि ये नाम की स्पेलिंग चेंज होने बहुत ज़रूरी है, एंड शी बॉट इट, शी बॉट इट, शी चेंज्ड इट। It's only when I was doing my matric and I was supposed to get a certificate, mom said, are you crazy? Whatever you've done, but get that straight, you know, get your name right. And then I just got it removed because I didn't have the guts to go to my teacher again and say ke maine jhoot bola tha. Ab mere grandfather ne kaha. Haan, to maine kaha ma'am, ab unhone ye kaha ki aap sirf apne naam se. So my degrees have Mavra on it only. Achha. It doesn't even have Hussain, which is such a shame. But aur padhogi? I don't know. Never say never. I enjoy studying. It's my getaway. I like working hard and seeing the results. Can I see in the future a PhD? No, maybe a bar degree, maybe turning into a barrister, or maybe an LLM, but maybe. I wish you luck. Not right now. My dean at my school where I've done my law degree from, उनको मैंने बोला कि मैम मैं सोच रही हूँ मैं LLM करूँ, तो कहें तुम क्यों सोच रही हो ये, तुम्हारा इतना अच्छा करियर है, तुम्हें इतना प्यार है अपने काम से, तुम अपना काम करो ना यार। मैंने कहा अच्छा, ओके ओके, इफ इट्स कमिंग फ्रॉम माई डीन। अगर मम्मी ने कह दिया
अम्मा ने कह दिया तो फिर होगा एलएलएम. सो आई एम श्योर शी इज व्हेन शी वॉचेस योर कॉन्वोकेशन के अलावा वो हमारे काम से भी बहुत खुश होती हैं. शी फील्स वेरी प्राउड. बट वट मॉम टेल कीप्स टेलिंग अस इज दैट दिस लाइफ इज मेंट टू डू सो मच. दैट्स वट शी टेल्स अस. वो ये नहीं कहती कि तुम अपने काम का हर्ज करके एल एल बी और एल एल एम करके दो. उनको मेरे काम से शायद उतना ही प्यार है जितना मुझे है. एंड इफ एनी वन इन दिस वर्ल्ड रियलाइज कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ या हम सब कितनी मेहनत करते हैं, इट्स माई मदर. You know, she's seen me. She's seen me work when I've been unwell. She's seen me work under all weathers. She's seen me work in any country, flying to this country, to that country, and still shooting without sleep. So, mama usko bahut value karti hai. Lekin unko lagta hai ki bahut time hai life mein. Time zaya mat karo. Do something of it. She said ki tum abhi jawani ka schedule khatam karke, you have a month. Give your exams. I know you can do it in a month. So then I kind of pulled it off. It's her faith in both of us that shines via us, through us. It's been such a pleasure. मुझे बहुत मज़ा आया. And I wish you all the best. और मेरी दुआ है कि मैं कभी सुनूँ कि तुम वापस गई हो और तुमने LLM किया है. हाँ, that'll be wonderful. And I also hope and wish, because the kind of mind that you have, कि हाँ आप हमारे actors की equity के लिए भी काम करो. Inshallah. I hope so. I hope I'm capable enough. I hope I'm good at it. We need somebody to fight for our cause. Inshallah. Thank you for coming over and sharing all this wonderful, wonderful. I had a lovely time. I've never felt so comfortable, especially at with your sister. I've just never felt so comfortable at any interview. Thank you. क्या आपका दिल करे क्या आप बातें करते हैं? इतना मजा आया. बहुत. Thank you.